नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज रामनवमी है और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि, उसका भी समापन है। तो नवरात्र में जो आपने घट की स्थापना की थी, उसका विसर्जन किस प्रकार से किया जाता है और घट विसर्जन या कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको जानना है कि घट का विसर्जन कैसे किया जाता है, घट विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि घट जो विसर्जन है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, फिर आपको बताऊँगा कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त है, वो तो है 1:40, यानी कि आज के दिन मतलब रामनवमी के दिन, यानी 30 मार्च को जो घट विसर्जन का शुभ मुहूर्त है वो है 1:40 से 3:50 तक। 1:40 से 3:50, यानी करीबन 2 घंटे का जो समय है, इसमें आप घट का विसर्जन कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि ये समय आपके लिए सुटेबल ना हो और आप इसमें घट का विसर्जन नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कुछ आपको चौकड़ियाँ बता देता हूँ जिसमें भी आप घट का विसर्जन कर सकते हो। तो जो पहला चौकड़िया है वो है 12 बजे से 1:30 के बीच में। पहला चौकड़िया क्या है, 12 बजे से 1:30 के बीच में। दूसरा है 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में, इस दौरान भी आप कर सकते हो, 3 घंटे का टाइम है, इसमें भी कर सकते हो। अगर ये भी आपसे चूक जाए तो आप 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में भी घट का विसर्जन कर सकते हो। इसी बीच में आपको घट का विसर्जन करना चाहिए। पहले तो मैंने आपको मुहूर्त बताया और बाद में आपको चौकड़े बताए। इसमें क्या घट का विसर्जन का मतलब, अगर आप नहीं जा सकते हो तालाब तक या किसी नदी तक, तो आप थोड़ा खिसका दीजिए, वो भी घट का विसर्जन ही कहलाएगा। इसके बाद फिर जब भी आपको टाइम मिले तब आप घट का विसर्जन कर सकते हो। तो ये जो समय है वो आपका घट विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि घट विसर्जन की सही विधि क्या है, ठीक है। आप ये देखेंगे कि अब जो कलश आपने बनाया है, इसके विसर्जन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए कलश उठा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि किस प्रकार से विसर्जन करना है, ठीक है। मैंने ये कलश यहाँ से उठा लिया है, ठीक है। ये कलश है, इसमें सबसे पहले तो आप ये नारियल जो है, नारियल या तो आप इस नारियल को खोलकर, या आपने नारियल खोल लिया, ये जो आप चुनरी है, ये चुनरी आप कहीं अच्छी जगह आप रख सकते हो चुनरी को, और नारियल को आप बहा सकते हो, यानी जल प्रवाहित इसका कर सकते हो, ठीक है। नारियल का ये काम में लेना है। इसके साथ जो चावल रखे हुए हैं, ये चावल, इन चावल को आप अपने जो भंडार गृह है उसमें रख सकते हो, या चावल को बनाकर खा भी सकते हो, या इसका दान भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। ये जो पंचपल्लव है, ये पंचपल्लव को आपको क्या करना है कि नारियल के साथ ही इसको प्रवाहित कर देना है, ठीक है। अब इसका जो जल है, इसमें जो जल भरा हुआ है, इस जल को आप पूरे घर में आप छिड़कना है, इस जल को पूरे घर में छिड़कना है। साथ में जो जल बच जाए बाद में, उस जल को सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर जो सुपारी रखी है, लौंग इलायची रखी है, उनको भी आप चाहे तो खा सकते हो या दान कर सकते हो। साथ में जो सिक्का रखा है उसको आप दान कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसका विसर्जन करेंगे, ओके। और इस आपने देखा होगा कि मैंने अभी यहाँ पे गेहूं डाले थे और जो मेरे जो है वो डाले थे, जो थोड़े दिन बाद वो जवारे बन जाएंगे। उस जवारे का क्या करना है, उस जवारे को या तो प्रवाहित कर दीजिए, या फिर उसका रस बनाकर आप घर के सभी सदस्य उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये है इसकी प्रक्रिया,